बिहार की राजनीति में एक दल से दूसरे दल में जाना कोई नई बात नहीं। न जाने कितने बड़े बड़े नेता हमेशा अपना दल बदलते रहते हैं, साथ ही पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन भी करती रहती हैं। खुद नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से दल बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार दल बदलने का ऑफर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मिला है। आपको बता दें कि बिहार में एक और केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कहा कि अगर तेजस्वी यादव सेफ रहना चाहते हैं तो वह एनडीए के साथ मिल जाएं। अगर वह एनडीए के साथ आ जाते हैं तो एक हो जाएंगे और सेफ भी हो जाएंगे। हालांकि कुछ ही देर बाद दिलीप जायसवाल ने अपने बयान पर सफाई भी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी के एनडीए में आने को लेकर के दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान बिहार के विकास के संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार अगर विकसित होगा तभी सभी की राजनीति चलेगी। वहीं ये पूछे जाने पर कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता पक्ष के साथ आएंगे तो क्या उन पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप धुल जाएंगे का जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर बिहार में कंबाइंड सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार से जुड़ा विभाग तेजस्वी यादव को ही दे देंगे और तब तेजस्वी समझेंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार से कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का मतलब यही है कि विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को एक हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में उपचुनाव हुआ, नतीजे भी आ गए और इस चुनावी माहौल के बीच पक्ष विपक्ष ने एक से एक नारा दिया। किसी ने कहा कि एक है तो सेफ है, तो किसी ने जवाब में पलटवार करते हुए कुछ और कहा। जब तेजस्वी से दिलीप जायसवाल के बयान के बारे में पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग एक ही तो हैं, एक भी हैं और सेफ भी हैं, कहां अलग अलग हैं। बिहार की राजनीति में एक दल से दूसरे दल में जाना कोई नई बात नहीं। न जाने कितने बड़े बड़े नेता हमेशा अपना दल बदलते रहते हैं, साथ ही पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन भी करती रहती हैं। खुद नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से दल बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार दल बदलने का ऑफर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मिला है। आपको बता दें कि बिहार में एक और केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कहा कि अगर तेजस्वी यादव सेफ रहना चाहते हैं तो वह एनडीए के साथ मिल जाएं। अगर वह एनडीए के साथ आ जाते हैं तो एक हो जाएंगे और सेफ भी हो जाएंगे। हालांकि कुछ ही देर बाद दिलीप जायसवाल ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी के एनडीए में आने को लेकर के दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान बिहार के विकास के संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार अगर विकसित होगा तभी सभी की राजनीति चलेगी। वहीं ये पूछे जाने पर कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता पक्ष के साथ आएंगे तो क्या उन पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप धुल जाएंगे का जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर बिहार में कंबाइंड सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार से जुड़ा विभाग तेजस्वी यादव को ही दे देंगे और तब तेजस्वी समझेंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार से कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का मतलब यही है कि विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को एक हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में उपचुनाव हुआ, नतीजे भी आ गए और इस चुनावी माहौल के बीच पक्ष विपक्ष ने एक से एक नारा दिया। किसी ने कहा कि एक है तो सेफ है, तो किसी ने जवाब में पलटवार करते हुए कुछ और कहा। जब तेजस्वी से दिलीप जायसवाल के बयान के बारे में पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग एक ही तो हैं, एक भी हैं और सेफ भी हैं, कहां अलग अलग हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।